अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रैक्चर्स और ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी सारा कुछ। मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या क्या करना है। पहले मैं हम आए थे इस बात पे कि मैंने आपसे कहा था कि पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी जनरल मैनेजमेंट क्या करनी है। पहले हमने वो बात सारी करी, एटीएलएस प्रोटोकॉल आ जाएगा, उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स देंगे, टेटनस का प्रोफाइल एक्सरसाइज लाजमी याद से करवाना होता है आपने और लिखना होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि खासतौर पर उन लोगों के फ्रैक्चर में ही आपके पास अगर सिनेरियो में आता है ना कि कोई मोटरसाइकिलिस्ट या कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बंदा फ्रैक्चर के बाद आए तो उसमें तो टेटनस लाजमी है। लेकिन कोई ऐसा आता है कि आपका कहते हैं कि वो जैसे एक आता होता है कि फीमेल जो थी वो वॉशरूम में स्लिप हो गई, गिर गई और उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया और डेन फोक डिफॉर्मिटी होगी, तो उस तरह के फ्रैक्चर में टेटनस प्रोफाइल एक्सेस की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन रोड साइड सारे एक्सीडेंट्स में आपने लिखना है। अच्छा जी, ये होती है जनरल मैनेजमेंट। उसके बाद आती है कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट, हमने फ्रैक्चर क्या करने। जनरली तो हमने उसको रिड्यूस कर लिया, हमने उसका एक्सरे करा लिया। एक्सरे के बाद अब हमने करना क्या है, अगला स्टेप क्या होगा, वो होती है स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर से में मतलब ये हम कर लेते हैं, मैं फिर आपको बताती हूँ इंडिकेशंस ऑफ ऑपरेशन के। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज होती है कि आपने फ्रैक्चर को रिड्यूस करना है सही वाला। पहले तो आपने इनिशियल रिडक्शन की थी ना, फर्स्ट एड रिडक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें आपने बस मतलब अंदाजे से कर दिया था। वो फर्स्ट एड रिडक्शन में ये नहीं होता कि हाथ ऐसे मारे आपके, उसकी जो वेसल्स और नर्व्स टूटी नहीं थी उनको भी तोड़ दें। अगर आपको नहीं कुछ आता तो आप ना करें, लेकिन आता है तो फिर आपने वो करनी है। देखिए, वो बड़ी स्किलफुल चीज होती है कि आपने जो इनिशियल रिडक्शन करनी है बिफोर एक्सरे। अब एक्सरे आ गया आपके पास, आपको काफी आइडिया हो चुका है कि क्या हुआ है। अब आपने ये देखना है कि रिडक्शन आपने जो करनी है क्या वो क्लोज रिडक्शन हो सकती है। क्लोज रिडक्शन का मतलब ये कि आपको फ्रैक्चर साइट खोलनी ना पड़े, आपको ऑपरेशन नहीं करना और आपको इसी तरह से फ्रैक्चर को बाहर से ही रिड्यूस कर लेना। कोई बात है कि अगर सबलग्जेशन हुई हुई है, हल्का सा फ्रैक्चर डिस्प्लेस है, तो वो आराम से क्लोज रिडक्शन में ठीक हो जाता है। और ओपन रिडक्शन का मतलब है कि आपको बाकायदा खोल के फ्रैक्चर को फिर उसको रिड्यूस करना है। अब यहां पर आ जाती है कि क्या क्या इंडिकेशन होती है कि आपको फ्रैक्चर को खोल के रिड्यूस करना है, यानी आपको सर्जरी करनी है, आपने उस जगह को एक्सप्लोर करना है और फिर आपने उसको बोन को रिड्यूस करना है। ये आपकी जो चीजें ना, ये डोगर में नहीं लिखी हुई, मतलब डोगर में से मैंने तीन चार पॉइंट्स लिखे हैं और बहुत थोड़े से हैं, और इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं बाकायदा एमसीक्यूज के। ठीक है, ये वाली जो मैंने चीज लिखी है ना, इसमें से आपके एमसीक्यू बनते होते हैं। सपोज आपसे कह देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर दिस ऑपरेशन, ऑपरेटिव रिडक्शन या ओपन रिडक्शन। ठीक है, उसमें वो आपको तीन दे देंगे रिलेटिव इंडिकेशंस, या तीन कोई एक दे देंगे जो इंडिकेशन है ही नहीं, और एक आपके पास एब्सोल्यूट होगी। तो ये अपने पक्के याद रखने बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। एब्सोल्यूट ये आपके पास लिख लें, ठीक है, ये डोगर में ही लिखे हुए। पहली चीज आपके पास पॉली ट्रॉमा, यानी अगर आपके बहुत जगह पर ट्रॉमा हुआ है और मतलब एक ही बोन में ऊपर शाफ्ट भी डैमेज है, एपिफिसिस भी डैमेज है, डायफिसिस भी डैमेज है, मतलब ऊपर नीचे चार पांच जगह से बोन टूटी हुई है, तो जाहिर है आपको खोलना है, उस वक्त आप क्लोज नहीं कर सकते। फिर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ज्वाइंट में फ्रैक्चर हुआ है और डिस्प्लेस्ड है, मतलब ये कि एक मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट में डिस्ट्रैक्शन हुआ करती है कि ज्वाइंट में अलग जरूर हो जाता है लेकिन डिस्प्लेस नहीं होता, उसमें आप क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेस ज्वाइंट का फ्रैक्चर है, ज्वाइंट वाली जगह से बोन में मसला है, तो डेफिनेटली यू हैव टू ओपन इट। ज्वाइंट के मामले में आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता, बिकॉज अगर एक दफा वहां पर पक्का फाइब्रोसिस हो जाएगा तो पेशेंट की उस जगह की मूवमेंट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, विच इज वेरी वेरी लाइफ डेटरियोरेशन, लाइफ टाइम डेटरियोरेशन फॉर योर पेशेंट। ठीक है, अगली है जी ओपन फ्रैक्चर विद वैस्कुलर इंजरी। अगर फ्रैक्चर के ऊपर वूंड है, यानी ओपन फ्रैक्चर है और उसके साथ वेसल्स इंजर्ड है, तो डेफिनेटली है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये होता है कि आपके पास बॉडी में आपने पढ़ा होगा जब आपने अपर लोअर लिम पढ़े थे कि काफी सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। कंपार्टमेंट्स का मतलब ये कि वो एरिया जो कि साइड्स में किसी फेशिया से सराउंडेड है और अंदर उसकी अपनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब ये कि जब उधर कोई बोन फ्रैक्चर होती है, सपोज आपकी एक फोर आर्म में कंपार्टमेंट है और आपकी फ्रैक्चर हो जाती है रेडियस, रेडियस फ्रैक्चर होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका इन्फ्लेमेशन भी एक्टिवेट होती है उस जगह पर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और फ्लूइड और स्वेलिंग आ जाती है। अगर हमारे पास किसी कंपार्टमेंट वाली जगह पर स्वेलिंग एक्यूमुलेट होने लग जाती है, तो सपोज मेरे पास फोर आर्म है, यानी कि ये बाजू है, यहां पर आपके एक कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट का मतलब है कि दोनों तरफ से फेशिया ने बाउंड किया होता है उसको। हम अभी एनाटॉमी की ये सारी बातें आपको याद ही होंगी। अगर इसके बीच में फ्लूइड कलेक्ट होता जाएगा फ्रैक्चर की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि ये फूलती जाएगी और फ्लूइड के पास रास्ता नहीं है कि बाहर निकल के जा सके, क्योंकि यहां पर कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसकी वजह से अंदर सारी वेसल्स और सारी नर्व्स बहुत शदीद कंप्रेस हो रही होती है। फ्रैक्चर इतना डैमेज नहीं करता जितना उनके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर डैमेज कर देता उनको, और हो सकता है कि आगे वाले एरिया में ब्लड सप्लाई पहुंचे ही ना और जो हाथ है उसका एवेस्कुलर नेक्रोसिस शुरू हो जाए। आगे हैंड होता है ना फोर आपकी आर्म के आगे, तो हैंड का एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो सकता है, नर्व सप्लाई उसकी खराब हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं जब आपका
एक कंपार्टमेंट में फ्लूइड कलेक्शन की वजह से वहां पर विसल्स और नर्व्स पे प्रेशर पड़ने लग जाता है और उसके सिम्टम्स आते हैं, उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एससीक्यूज में बेतहाशा दफा आता है। मैं अभी आपको सिनेरियो भी आगे बताऊंगी, आगे इसको हम जरा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने याद रखना ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज डेवलप हो रही है तो आपने जाहिर है उसको ओपन ऑपरेशन करना है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में आपको ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि उनको आप इस तरह से ठीक नहीं कर सकते, पैथोलॉजी चल रही है, पॉट्स फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी हो, और वो फ्रैक्चर्स जो कि नॉन यूनियन शो कर चुकी है, मतलब पहले फ्रैक्चर हुआ था काफी अर्सा पहले, आपने उसको रिडक्शन की थी लेकिन वो बिल्कुल भी जुड़ने में नहीं आ रहे, तो उनको आपने खोलना है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव इंडिकेशन में आते हैं आपके पास, या आप देख लें एक दफा लॉस ऑफ पोजिशन बोन्स की हो जाए अगर। अच्छा, उसके बाद पुअर फंक्शनल रिजल्ट विद नॉन एनाटॉमिकल रिडक्शन, यानी कि आपने उस, अच्छा लॉस ऑफ पोजिशन विद क्लोज रिडक्शन, यहां पर मैं लिखना भूल गई हूँ, लॉस ऑफ पोजिशन विद क्लोज रिडक्शन है ये कि आपने रिडक्शन क्लोज करने की कोशिश की थी लेकिन उससे पोजिशन अपनी जगह पर नहीं आ सकी, तो आपको ओपन करना है। अच्छा, फिर उसके बाद वही बात है कि आपने नॉन एनाटॉमिकल रिडक्शन जो की है क्लोज रिडक्शन, उससे पुअर फंक्शनल रिजल्ट आया, तो आपको ओपन करना है। और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और ब्लड सप्लाई पुअर है, ब्लड सप्लाई अगर नहीं होगी तो जाहिर है तब तो आपने उसको ओपन करना है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, लेकिन अगर पुअर ब्लड सप्लाई है तो रिलेटिव इंडिकेशन में आता है। तो बहरहाल इतनी सी बात है, आपने बस याद करने है, अपने पास लिखने हैं, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं काफी ज्यादा। अब आ जाते हैं, हमने रिडक्शन कर ली फ्रैक्चर की, अब आपने सपोज किया, कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लपेट देते हैं तो आपका काम चल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से आया? प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है हमारा अगले स्टेप में, ठीक है। फ्रैक्चर बोन्स को जब आपने अपनी जगह कर दिया ना, तो वो अपनी जगह ये नहीं कि एक दिन में जुड़ जाएंगी, उनको टाइम चाहिए होता है, उनको अपनी जगह अब किसी चीज ने रखना है, उस अपनी जगह पर जो रखेगी ना चीज, उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को स्टेबिलाइजेशन या फिक्सेशन ऑफ द बोन। पहले अपनी जगह किया, अब अपनी जगह रखना है। अब अपनी जगह रखने के लिए हमारे पास तीन ये चार प्रोसीजर्स हैं कि हम स्प्लिंट्स या कास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बारी बारी आपको थोड़ा थोड़ा इन सबको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आपके जहन में सबसे पहले सवाल ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सिनेरियो में एक बंदा फ्रैक्चर के साथ आया। और हमारे पास हर क्वेश्चन यही होता है, जो आपके पास जितने क्वेश्चन आप देखेंगे ना, हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट था, उसको वो एक्सीडेंट हुआ, उसको फीमर का फ्रैक्चर हो गया, वो आपके पास आए, मैनेज द पेशेंट। जनरल मैनेजमेंट हमने कर ली, स्पेसिफिक मैनेजमेंट में हमें क्या पता कि हम इस पेशेंट को फ्रैक्चर को रिड्यूस तो कर लेंगे। चलो सपोज उन्होंने कह दिया कि फ्रैक्चर उसका ओपन फ्रैक्चर था, हम कहेंगे कि हमने ऑपरेशन किया क्योंकि ओपन फ्रैक्चर था, तो हमने ऑपरेट करके ओपन रिडक्शन से उसको रिड्यूस कर लिया। अब अगला सवाल ये आता है कि हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि हमने किस तरह से उसको स्टेबलाइज किया, क्या हमने इंटरनल फिक्सेशन की या स्प्लिंट्स एंड कास्ट लगाए। तो एक बात याद रखना कि अभी तो मैं आपको बता देती हूँ इनका मोटा मोटा ये चीजें क्या होती है, लेकिन किस फ्रैक्चर में क्या किया जाता है ये भी आगे जब हम अपर और लोअर लिम्ब पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आता है और किस में आपने क्या लिखना है। तो इसलिए अभी परेशान होने की इस बात की जरूरत नहीं है। और बहुत सिंपल सी बात है, मतलब चंद ही बातें, कि अगर फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो आपने इंट्रामेडुलरी नेल लगाना है, अगर आपका सिंपल कूलीज फ्रैक्चर टाइप कोई चीज है, हाथ का फ्रैक्चर होता है कूलीज फ्रैक्चर, आपने नेट में पढ़ा होगा, तो उसके लिए आप क्लोज रिडक्शन से भी काम चला सकते हैं। तो कुछ ही बेसिक चीजें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, तो आपने वो रूल्स याद रखने हैं। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ ये चीजें होती क्या है। अच्छा, स्प्लिंट्स और कास्ट में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, कास्ट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप लपेट देते हैं रिडक्शन करने के बाद बोन को। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को पट्टा लपेटे हुए, उसके ऊपर वो जो प्लस्तर करना होता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो बेसिकली कास्ट होता है, उसके ऊपर पट्टी लपेट देते हैं और हैंग कर देते हैं लिम्ब को। अच्छा, अब हमेशा कहते होते हैं कि जब आपने, जैसे अगर लोअर लिम्ब का मसला है ना, तो आपने जब कास्ट लपेटा है उसके बाद आप हार्ट के लेवल से ऊपर, आपने देखा होगा टांग पे ऐसे प्लस्तर लगा हुआ होता है, ये बंदा सपोज लेटा हुआ है ना और उसकी टांग फ्रैक्चर है, तो टांग को इधर ऊपर लटकाया हुआ होता है उन्होंने, मतलब टांग पे प्लस्तर लगा के उसको ऊपर लटका देते हैं। अब भाई ये क्या बात है कि ऊपर क्यों लटकाते हैं, ये अक्सर वाइवा में पूछते होते हैं। तो याद रखना आपने कि दो बातें आपने लाजमी जहन में रखनी होती है कि जब आपने कास्ट लपेटते हैं, पहली बात तो है कि कास्ट को टाइट नहीं लपेटना, अगर टाइट लपेटेंगे तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि कंप्रेशन ज्यादा हो सकती है ना, जब भी कंप्रेशन होगी तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। दूसरी बात, आपने जब भी कास्ट किसी जगह लपेटी है उससे अगली डिस्टल एरिया की सर्कुलेशन को जरूर चेक करना है, यही हमें बताएगा कि कास्ट ज्यादा टाइट तो नहीं है। कि अगर कास्ट टांग पे है तो पांव की सर्कुलेशन को चेक करें कि यहां पर ब्लड आ भी रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो यहां पर का मसला हल करते करते आप इधर मसला कर देंगे, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये होती है कि हमने ये बात मेक श्योर करनी है कि इस जगह पर जहां फ्रैक्चर हुआ है, जाहिर है यहां पर कुछ अर्से तक इन्फ्लेमेशन चलेगी, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में यहां पर इन्फ्लेमेटरी एडिमा और फ्लूइड कलेक्ट होगा, हमने ये बात मेक श्योर करनी होती है कि वो फ्लूइड यहां पर कलेक्टेड ना रहे बल्कि वो वापस टुवर्ड्स द लेवल ऑफ हार्ट आता रहे और ड्रेन होता रहे हमारी बॉडी, मतलब उसको ड्रेन आउट करती रहे, उस मकसद के लिए हम इसको ऊपर लटका देते हैं टांग को ताकि वो फ्लूइड नीचे आता रहे और ड्रेन होता रहे, ठीक है। तो ये मकसद होता है इसका, इन्फ्लेमेटरी एडिमा को रिजोल्व करना। तो ये तीन बातें आपकी कास्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, याद रखने हैं, आसान तरीका है ये करने का और इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है वगैरह वगैरह। स्प्लिंट्स
यही है हमारे पास, जो आप समझ लेना कि जिस तरह कास्ट होते हैं उसी तरह से अगर आप उसको, मतलब ये स्प्लिंट और कास्ट बेसिकली एक ही चीज होती है, जो ऊपर से आप किसी चीज को बांध देते हैं ना उसको स्प्लिंट कहते हैं, तो ये एक ही चीज है। फिर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन वो चीज होती है कि हमने अगर एक बोन को रिड्यूस किया, सपोज कर दे कि ये मेरी फीमर थी जो टूट गई थी, ठीक है, यहां से टूटी और यहां से टूटी, और मैंने इसको, सॉरी फीमर है ठीक है, यहां से बीच से टूटी है, मैंने इसको डिसलोकेटेड थी ये बिल्कुल, मैंने इसको अपनी जगह पर किया, उसके बाद अगर पहले ये फ्रैक्चर फॉर्म में थी तो इसमें एक पीस यहां ऊपर मूव किया हुआ था, ठीक है, मैंने इसको रिड्यूस किया अपनी जगह पे, और उसके बाद मैंने इससे जो नीचे हमारी टांग का पोर्शन होता है ना, टिबिया वाला पोर्शन, टिबिया और फिबुला वाला, उस जगह पर मैंने एक ट्रैक्शन यानी उधर से खींच दिया मैंने टांग को। दो तरह की ट्रैक्शन होती है, स्किन पे अप्लाई करते हैं आप या फिर अंदर मसल्स पे अप्लाई करते हैं, उस जगह को खींचे रखने का, और उस जगह को सिर्फ खींचा, ये नहीं कि पकड़ के खींच के खड़ी हो गई मैं, उस जगह पर मैंने कोई चीज तार से बांधी और तार के साथ मैंने नीचे एक वेट लटका दिया इधर, ठीक है, ताकि ये जगह मुसलसल खिंची रहे। इसका मकसद ये होता है कि ये जो मैंने डिसलोकेशन हुई थी इसको मैं जब अपनी जगह स्टेबलाइज मैंने किया है, तो ये अगर यहां से खिंचा रहेगा तो बोन अपनी जगह स्टेबलाइज रहेगी, ठीक है। ट्रैक्शन हमेशा आप अप्लाई करते हैं डिस्टल टू द एरिया जहां पर फ्रैक्चर हुआ होता है। सपोज मेरा अगर हाथ में अपर आर्म में फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रैक्शन मैं फोर आर्म में नीचे वाले बाजू के हिस्से में अप्लाई करूंगी, क्योंकि जब हम किसी चीज को खींच के रखते हैं ना तो वो अपनी जगह पे सेट रहती है, ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो दो तरह की ट्रैक्शन होती है, आप स्किन पे भी हानि अप्लाई कर सकते हैं, बोन पे भी। डोगर में बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई है, वो आप देख लें आपको समझ आ जाएगी। फिर है वी हैव इंटरनल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन का मतलब यह कि अब आपने अंदर बोन्स को बकायदा किसी चीज से जोड़ा है, ऊपर ऊपर वाली चीजों से काम नहीं चल रहा, जिसमें आप बकायदा कीलों से जोड़ सकते हैं, उनको नेल्स एंड स्क्रूज कहते हैं, जो आपने कीले लगा के दो बोन्स को जोड़ा, ठीक है। इंटरनल फिक्सेशन में होता है कि जितना भी कुछ आप अप्लाई करें वो अंदर ही रहेगा, वो स्किन के ऊपर अपेयर नहीं होगा, ठीक है, इंटरनल फिक्सेशन में होता है। नेल्स एंड स्क्रूज होते हैं अक्सर, ज्यादातर यही होते हैं इस्तेमाल। उसके बाद आपके पास वायर्स होती हैं, वायर्स अक्सर बच्चों में इस्तेमाल करते हैं जिनकी बोन ज्यादा नरम एंड फ्रेजाइल वगैरह होती है, क्योंकि जाहिर उनमें ग्रोथ प्लेट को भी टूट ना जाए उसका खतरा होता है, इसलिए बच्चों में के वायर्स अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास होते हैं इंट्रा मेडलरी नेल्स, मैंने अभी आपको बताया कि अगर फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर है तो इंट्रा मेडलरी नेल वो चीज है जो आप मेडलरी कैविटी में घुसाएंगे, जो बोन के भी बाहर अपीयर नहीं होगी, पूरी मेडलरी कैविटी में यहां से यहां रन कर रही होती है, उसको इंट्रा मेडलरी नेल कहते हैं। तो वो आपका शाफ्ट के फ्रैक्चर में इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये सारी इंटरनल फिक्सेशन की डिवाइसेज है। एक्सटर्नल फिक्सेशन वो चीज होती है जो आप ऐसे फिक्स करेंगे कि वो बोन के ऊपर और स्किन के ऊपर इवन अपीयर होगी, बोन के ऊपर तो सब कुछ ही आता है लेकिन वो स्किन के अंदर क्लोज्ड होता है, तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स आपको स्किन के ऊपर नजर आते हैं। अब एक्सटर्नल फिक्सेटर्स जाहिर है पेशेंट को अगर स्किन के ऊपर नजर आ रहे हैं तो उसके लिए कितनी, मतलब एक होता है ना कि एक चीज इतनी बड़ी सी आपको प्लेट्स लगी हुई और स्क्रूज लगे हुए नजर आ रहे हैं, वो कितनी अजीब सी बात लगती है, तो इसी वजह से सबसे कम इनको इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अवॉइड किया जाता है, और बहुत जरूरत हो ना जब जिस तरह उसकी कुछ इंडिकेशन है कि आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हैं या ओपन फ्रैक्चर है जो कि दूसरी तरह से ट्रीट नहीं हो सकते, उनमें आपने एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाने थे, वरना नहीं लगाने होते। एंड इन द एंड ऑफ दैट आपने पेशेंट की रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि उसकी पूरी गाइडेंस और उसके दोबारा फॉलोअप, उसके फॉलोअप एक्सरेज, हर चीज का ध्यान रखना, दैट इज इंक्लूडिंग रिहेबिलिटेशन। यहां तक ये बात खत्म करते हैं, चैप्टर हमारा हो गया, अब मैं आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर आऊंगी अबाउट अपर लोअर लिम, यहां तक कोई बात कोई ना समझ आए मुझसे पूछ लें, थैंक यू।